हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी लेसन 8 प्रोनाउन। आज हम लेसन 8 प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। व्हेन वी टॉक ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, वी डू नॉट यूज देयर नेम्स अगेन एंड अगेन। जब हम किसी पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम उनके नाम को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। वी यूज़ वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे, हिज एक्सेट्रा। हम उसकी जगह पर ही, शी, इट, दे, हिज, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दीज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ये वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस ये क्या होते हैं? ये नाउन होते हैं। ये हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और इनकी जगह पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड used in place of noun। pronoun वे शब्द होते हैं जो कि noun की जगह पर use किए जाते हैं। अब हम इसको एक example से समझते हैं। The ball is red। The ball is on the chair। हम एक ball के बारे में बात कर रहे हैं कि ball red है और वह the ball जो है chair पर है। To avoid using ball again and again, we use a pronoun in place of noun। ball word को हम बार बार use नहीं करेंगे और उसकी जगह पर हम एक pronoun का use करेंगे। ball यहाँ पर noun word है। The ball is red, it is on the chair। तो हमने कौन से word का use किया? It का। In this sentence, it is used in place of the ball। it का use किया गया है बॉल की जगह पर जो कि एक प्रोनाउन है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। दिस इज मीना, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यह मीना है, वह गाना गा रही है। अब देखिए, मीना एक गर्ल है तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया? शी। दिस इज़ मोती, इट इज़ बार्किंग। यह मोती है, यह भौंक रहा है। मोती एक डॉग है तो डॉग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया? इट। मतलब कि एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा? इट। दिस इज़ अंकल सैम, यह अंकल सैम है। He is a gentleman। ये अंकल सैम है, वह एक जेंटलमैन है। मीन्स अंकल सैम एक बॉय है जो कि जिनके लिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। हेयर आर माई क्लासमेट्स, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। दे आर प्लेइंग, जब प्लूरल में यूज़ किया गया, प्लूरल हो गए मतलब एक से ज़्यादा हो गए, तो वो बॉय, गर्ल, एनिमल, प्लेस, थिंग कोई भी हो, उन सब के लिए दे का यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। नाउ वी विल स्टडी सम मोर प्रोनाउन। अब हम कुछ और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि द पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए क्या यूज़ कर सकता है? वह अपने लिए मे, आई का यूज़ कर सकता है। मे को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। मोर देन वन पर्सन स्पीकिंग, एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो वो अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वी। वी मीन्स होता है हम। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वह कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेगा? तुम, यानी यू। यू का यूज़ वो करेगा। अब हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के बारे में। मैन और बॉय अगर होंगे सिंगुलर में तो प्रोनाउन यूज़ होगा ही, जो भी आपको मैंने लास्ट पेज पर बताया था। और अगर वो एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन वन होंगे, मैन और बॉयज़,
तो प्रोनाउन का यूज होगा प्लूरल में दे। वुमेन और गर्ल अगर सिंगुलर में है, एक है, तो प्रोनाउन का यूज होगा शी। वुमेन और गर्ल्स अगर प्लूरल में है, एक से ज़्यादा हैं, तो फिर प्रोनाउन का यूज होगा दे। एनिमल, प्लेस और थिंग अगर सिंगुलर में है, मतलब कि एक है, तो प्रोनाउन का यूज होगा इट। और अगर ये एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, एनिमल, प्लेस और थिंग, तो प्रोनाउन का यूज होगा दे। मीन्स कि मैन और बॉय के लिए ही, वुमेन और गर्ल के लिए शी, और एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए इट। ये हमने लास्ट पेज में भी देखा था एग्जांपल्स के द्वारा। लेकिन जब मोर देन हो जाते हैं, मोर देन वन, तब सभी के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है, और वो होता है दे। सिंगुलर में अलग अलग यूज होता है, लेकिन प्लूरल में सेम यूज होता है दे। अब आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।